जल्दी चलो, तुम्हें स्कूल भेजकर मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है। रॉकी जी भाभी, शाम को प्रोफेसर गीता के घर पर फंक्शन है। हाँ। और साड़ी मैंने ड्राई क्लीनिंग को दी है, प्लीज ले आओगे? हाँ ले आऊंगा। ये है रॉकी की छोटी बहन संध्या, एमकॉम कर रही है। डैडी मैं कॉलेज जा रही हूँ, बाय। और कंप्यूटर पर बैठे ये जनाब हैं शिव, रॉकी का छोटा भाई। डैडी एक्चुअली मुझे कॉलेज के पिकनिक के लिए 1500 रुपए चाहिए थे। ओ। ये 500 रुपए एक्स्ट्रा रख लो, काम आएंगे। थैंक यू डैडी, थैंक यू, बाय। संभाल कर जाना। पापा मुझे भी 50 रुपए चाहिए। क्यों लाड साहब? वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, इस बार मैं जरूर 10वीं पास कर लूंगा। तुमने कहा और तुम हो गए। पास होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है जनाब। तुम्हारा छोटा भाई कैंपस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो जाएगा, मेरिट में आकर उसे जॉब भी मिल जाएगी और फिर वो अमेरिका में सेटल हो जाएगा। और तुम फीस के नाम पर मेरे 1000 रुपए बर्बाद कर चुके हो। तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे बाद स्कूल गया, फिर तुम्हारे साथ पढ़ा, फिर छलांग लगाकर वो तुमसे आगे निकल गया। तुम डफर थे, डफर हो और डफर ही रहोगे। जाओ जाकर कपड़े धो। सुनिए शांत हो जाइए, मैं समझाती हूँ ना। लीजिए पानी। क्या सुबह सुबह तुम्हें, आपका बीपी हाई हो जाएगा। क्यों नाश्ता तो अरे तू तो अपने पापा को अच्छे से जानता है ना, सब ठीक हो जाएगा। इस घर में अगर कोई मरहम लगाने का काम करता है तो वो है रॉकी की माँ। हमारा हीरो पड़ गया है बिल्कुल अकेला। क्या अबे? जगेश्वर भाई का आदमी हूँ, सूर्य। अंदर आ। क्या बोले जगेश्वर भाई? भाई ने आपके लिए ये पैसे भेजे हैं। एकदम कड़क है। काशी को मारने के लिए आपने कोई प्लान या तरीका सोचा है? अरे साला, उस 2% रोड छाप मवाली के लिए मैं प्लान बनाऊं? हाँ। सामने तो आने दे, बकरे की तरह बोटी बोटी काट डालूंगा, देख लेना। आप काशी के बारे में जानते हैं? उसका बैकग्राउंड मालूम है आपको? वो बहुत खतरनाक आदमी है। ए, वो काशी मेरे सामने दूध पीता बच्चा है। फोटो दे उसकी, गोली सीधा भेजे में, फटा लीजिए। हाँ भाई, ये सूर्य तो अस्त, मैं अमावस्या हूं। काशी अंगारा साले। हेलो छोटे। हाँ भाई, जगेश्वर ने जिन गुंडों को मुझे मारने भेजा था, मैंने उन्हीं को नरकवासी बना दिया। आज से मारकाट के सारे धंधे बंद करके मैं पॉलिटिक्स में उतर रहा हूँ, बड़ा हाथ मारने के लिए। तो मुंबई पर जहाँ आज तक मेरा राज था, मैं चाहता हूँ कि आज से तू उसे संभाले। गुंडा राज का पहला नियम, विरोधियों को रास्ते से हटाओ। शहर में सिर्फ एक ही गैंग चले, इसलिए जगेश्वर और उसके गैंग को उड़ा दे। उसके एक एक आदमी को चुन चुन के मारो। ठीक है, नॉमिनेशन फाइल करो, काफी देर हो चुकी है। मैडम ये लीजिए, फोटो खींचो। मैंने काफी बड़े बड़े नामों को छोड़कर तुझे चुना है, तुझे ये सीट जीतनी ही होगी। समझ लो कि भाई इलेक्शन जीत ही गए। हार जीत का सवाल तो तब होगा ना जब हम किसी को नॉमिनेशन भरने देंगे। हाँ छोटे भाई, पूरी गैंग को लेटा दिया। योगेश्वर लंबा हो गया, कांटा हट गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे मार डालेगा, मुझे बचाओ, मुझे इस गुंडे से।
मिनट बेटी, एक मिनट, क्या हुआ, क्या बात है? अरे ये तो काशी अंगारा का भाई है। नहीं जाने दो, कोई बीच में मत आओ। ए मने, एक कटिंग देना। ये लो। क्या हो रहा है वहां पर? वो काशी अंगारा का भाई एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा है। इनमें से कोई भी तुझे बचाने नहीं आने वाला। तेरे बाप को तो मार डाला, अब तेरी इज्जत लूटूंगा। कौन था वो? उस गुंडे ने मेरे पिताजी और मेरे भाई को मार डाला और वो मुझे भी मारना चाहता था। अड़ो, रेलवे स्टेशन छोड़ देना। ओ हीरो, ये पप्पू भाई के खूनी को जानता है? तू उसे पहचानता है? मैंने उसका फोटो खींचा भाई। बड़ा कर, हाँ और बड़ा कर, प्रिंट कर इसे। साले तू मेरे भाई को मार कर ये शहर छोड़कर भाग गया था ना? Hey, हर जगह इसकी फोटो भेजो। बैंगलोर, मद्रास, मुंबई, कोलकाता, हरियाणा, हर स्टेट, हर शहर में अपने आदमियों को इसके पीछे लगा दो। उनसे कहो मुझसे एक खोखा ले लो, लेकिन इसको जिंदा ही पकड़ना। चाय की टपरी पर बैठे ये दोस्त ही रॉकी की दुनिया है, जिनमें ये हैं ओबामा, ये हैं हिटलर और ये हैं मुशर्रफ। मुशर्रफ, चाहे इस बार बीजेपी सत्ता में आए, कांग्रेस या थर्ड पार्टी, चाय के बारे में उन्होंने सोचना चाहिए। जिस तरह से स्कूलों में फ्री मिड डे मील देते हैं ना, वैसे ही वो हम जैसे बेरोजगारों को फ्री मिड डे चाय नहीं दे सकते। अबे सुन हिटलर, हाँ? जिस दिन कोई चाय वाला इस देश का पीएम बनेगा तो ये भी हो जाएगा। अरे नालायको, सुबह से एक ही अखबार को तुम सब मिलके चार बार पढ़ चुके हो। दोपहर होने को आई, एक कप चाय तो ऑर्डर करो। फ्री में है तो बोल। लुखो, चाय की दुकान है इसलिए चाय फ्री में मांग रहे हो, जहर की होती तब मांगते। अगर चीज फ्री की है तो जहर भी चल जाएगा। काम के ना काज के दुश्मन अनाज के। एक दिन मेरे दोस्त के अनाज के गोदाम होंगे। तुम लोगों को किसी बात की शर्म नहीं है? अरे तुम हमें शर्म का पाठ पढ़ा रहे हो। बेईमान, अपनी चाय देखिए, चाय में कभी बाल निकलता है, कभी उसमें से मरी हुई मक्खी निकलती है, कभी दिल पे कॉकरोच चाय में स्विमिंग कर रहा होता है। तेरी चाय जो पिएगा उसकी लीवर किडनी रुक जाएगी, पर उसे पीने वाला चल बसेगा। लो हीरो आ गया। हमारे ग्रुप का सबसे मालदार बंदा आ गया। रॉकी, सुबह से कटिंग चाय का एक घूंट पीने के लिए तरस गए हैं। कमोड पर बैठकर पेपर पढ़ने के बजाय यहाँ पढ़ रहे हैं। अपने जेब से नोटों की गड्डी निकाल, उसके मुंह पर मार और चार चाय बोल। एक कटिंग और एक सिगरेट। अरे यार, अरे मंथ एंड है यार, पॉकेट खाली, पैसे दी एंड। रॉकी, तू हमारी आखिरी उम्मीद था रे। तू पलट गया, अब मैं कहाँ सर रख के रोऊं? सुन मुशर्रफ, दादा थोड़ा गलत संभाल लेना, मेरा टकला फट रहा है। मैं कटिंग दारू मार के आता हूँ। मैं भी चलूं क्या? पिछली बार आया था तो चकने का दारू से ज्यादा पिला, खुद दारू अंदर करते हो और मेरा बटवा बाहर निकालने को कहते हो। सब कुछ फुकट का ही खाना पीना है, उल्लू का पट्टा। मैकेनिक दादा है क्या? वो टंकी फुल करने गए, क्या काम है? मंडे को मैंने उन्हें गाड़ी रिपेयरिंग के लिए दी थी। हाँ तो उसी का एडवांस 5,000 बाकी था, उन्हें दे देना। बाकी पैसे मैं किसी के हाथ से भिजवा दूंगा, ठीक है? तुम भी ना? हम यहाँ भी दोनों घर पर ही होते हैं। हमारा इकलौता बेटा यूके में बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट है।
शादी के बाद वो पत्नी के साथ यूके में ही सेटल होना चाहता है ना? बस मेरी बेटी एक बार हाँ कह दे तो ये रिश्ता पक्का समझिए। लड़का दिखने में बहुत अच्छा है ना? ऐसा लग रहा है। हाँ, काफी संस्कारी भी लगता है। मुझे भी ऐसा लगा। आपने इससे नहीं मिलवाया? ये मेरा तीसरा बेटा है। पैदा होने के अलावा इसने और कोई अच्छा काम नहीं किया। हमारे घर में बस एक ये ही नमूना है। मेरे बाकी सारे बच्चे काफी पढ़े लिखे हैं। इसके पास भी डिग्री है, 10th फेल। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ कॉफी लेकर आओ। और सुनो, पंखे को इस तरफ घुमा दो। माँ, क्या हुआ? माँ, तेरे पति को और कोई काम नहीं है क्या? वो उस टकले के सामने मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। वो तेरे बुरे माने जीजा जी सुन लेंगे। कौन? वो? माँ कसम, मेरी बहन उस टकले को वीक पहनाते पहनाते बुढ़ी हो जाएगी। अरे चिल्ला मत, हमारे समधी जी बुरा मान जाएंगे। समधी? वो बुढ़ा जो बाबा आजम के जमाने की पैंट पहनकर आया है, वो क्या कर रहा है? तू क्यों चिल्ला रहा है समधी जी? अरे तो सुनने दो, अगर उनमें जरा सी भी शर्म है ना तो अभी के अभी घर का रास्ता नापने को बोल दो। हम आपको फोन करके बता देंगे, ठीक जी? कोई बात नहीं, चलो चले। जब तक तुम इस घर में रहोगे, संध्या की शादी इस जन्म में नहीं हो सकती। अब या तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ या तुम इस घर को छोड़कर चले जाओ। पापा कोई बोल दो ना घर छोड़ने के लिए। सुनिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। पता नहीं ये जाहिल मेरे घर में कैसे पैदा हुआ। आज के बाद जो भी आवारा गर्दी करनी हो घर से बाहर करना। ये पढ़े लिखों का घर है और तुम अनपढ़ गंवार हो। तुम्हारा नाम मैंने अपने दादाजी के नाम पर रखा राधा कृष्ण। अच्छे खासे नाम का रेप करके तुमने रख दिया रॉकी। मैंने आपसे कहा था ना मेरे दादाजी वाला नाम रखो, गोपाल कृष्ण। तुम्हारे मेरे दादाजी की बात नहीं है, ये बात है नाम के क्रियाक्रम की। कितना कितना फर्क है इस उल्लू के पट्टे में और मेरे बाकी बच्चों में। जी करता है छुरा लेकर। माँ गलती सारी पापा की है, मुझे जो करना था करने दिया। पूछो ना इनसे। मैं बचपन में माचिस की तीली से बड़ी बड़ी बिल्डिंगे बनाता था, लेकिन ये उसे भी तोड़ देते थे, वरना आज मैं बहुत बड़ा बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर या सिविल इंजीनियर बनता। लेकिन नहीं बन पाया। बाथरूम की दीवारों पर अलग अलग सुंदर सुंदर ड्राइंग्स बनाता। उसे ड्राइंग कहते हो? कबाड़ था वो। कला को कबाड़ मत कहिए। आप सिर्फ कान खींचकर जोर जोर से मरोड़ा करते थे, मुझे जो पसंद नहीं वो करवाते थे। कभी इस दिल में झांका, मैं भी परिंदे की तरह आसमान में उड़ना चाहता था, पर आपने मेरे पर काटकर जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दिया। बचपन में ही दिमाग पर गहरा घाव किया। कैसे करता पढ़ाई? कैसे करता? कैसे? कैसे? दूसरों पर आरोप लगाना बंद करो, खुद के दम पर डिग्री हासिल कर सकते हो।